इसे और डिटेल में समझने के लिए मैं मेरे सहयोगी आशीष का रुख करती हूं। आशीष, क्या होने जा रहा है अक्टूबर में, ऐसा क्या होगा उस मीटिंग में कि के नेटवर्क का खात्मा तय? श्री, दुनिया भर में फैले हुए जितने भी खालिस्तानी या आतंकी हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, पाकिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो या फिर कनाडा हो, इन सभी देशों में जो खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय किया गया। और इसीलिए अक्टूबर में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एनआईए ने इसके लिए बाकायदा आतंकियों की लिस्ट बनाई है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने हाल में देखा गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब ये तय किया गया है कि इन सभी आतंकियों के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे अगर भारत में है, इनके या इनके परिवार वालों के, और इनके खिलाफ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच किया जाएगा। यही नहीं, इन सभी कंट्रीज से दोबारा से रिन्यूड कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से इनको एक्सट्रेडाइट कर भारत ला करके इनके खिलाफ रूल ऑफ लॉ इंपोज करने की। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और अक्टूबर में एनआईए की बैठक इसी को लेकर के होने वाली है कि किस तरह से जल्द कार्यान्वित किया जाए और इन आतंकियों को रूल बुक के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको उनकी सजा दिलाई जाए। बिल्कुल, यानी सब कुछ तय हो गया है और सब कुछ उसी जो तय हुआ है उसके हिसाब से होगा और ये बड़ी चोट होगी इन खालिस्तानियों के खिलाफ। आप रहिए मेरे साथ, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पन्नू की नई साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के डॉजियर से खुलासा हुआ है, भारत को कई देश में बांटना चाहता है पन्नू, धार्मिक आधार पर बांटना चाहता है, मुस्लिम देश भी बनाने की कोशिश जो है वो इस साजिश का हिस्सा है। गुरपतवंत पन्नू की साजिश, बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के डॉजियर से यह खुलासा हुआ है जिसमें ये नई साजिश किस तरीके से रची जा रही थी और इसमें यह साफ हुआ है कि भारत को कई देश में बांटना चाहता है पन्नू। हम रुक करेंगे एक बार फिर आशीष आपका, आशीष क्या अंदर की खबर है? पूरा आईएसआई के बहस पे पन्नू कर रहा है, आज से नहीं काफी समय से उसकी ये प्लानिंग चल रही है। आपको याद होगा पाकिस्तान की सेना भारत के लिए क्या कहती थी, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। इसलिए आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी मिल करके गुरपतवंत सिंह पन्नू को पीछे से बैक करके ये रणनीति बनाया था उन लोगों ने कि भारत में इस पैशन को इग्नाइट किया जाए और भारत को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश की जाए। समय रहते हमारी इंटेलिजेंस की काबिलियत है कि ये सब कुछ भारत सरकार को पता चल गया है और इन सब के खिलाफ कार्रवाई। देखिए, टेरर नेटवर्क और टेरर फाइनेंसिंग पूरी तरह से तोड़ना है और इसीलिए निर्णायक फैसला किया गया है जिसको लेकर के एनआईए की बैठक भी होगी। और मैं आपको ये बता दूं, बैठक का इंतजार नहीं चल रहा, बैकग्राउंड में बहुत तैयारियां चल रही है, कार्रवाई चल रही है जिसकी शुरुआत गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई से हुई थी और इन सब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जाहिर तौर पर क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर हम बात करने के लिए अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि देखिए कई अहम खुलासे हो रहे हैं, कैसी तैयारियां होने जा रही हैं ये भी चन चन कर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आप क्या बताएंगे कैसी तैयारी है और क्या इसके पीछे की खबर कि अब खालिस्तान का जो अंत है वो तय है? ABP News, आपको रखे आगे।